अच्छा मैडम, एक चीज़ बताइए, बहुत लोग गारंटी वारंटी के प्रोसेस को थोड़ा समझना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेरी मेरे पास आता है, लोग बोलते हैं कि सर हम पंखा तो ले लिए, मेरा अगर पंखा 6 महीना नहीं बिका तो क्या होगा उसका, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर ये सवाल बहुत अच्छा है और बहुत लोगों से आता भी है कि अगर हमने ये ख़रीदा है और हमारा नहीं बिका तो क्या होगा उसकी गारंटी, क्योंकि आप वारंटी 2 साल की दे रहे हो तो क्या 6 महीने की वारंटी ख़त्म हो जाएगी? तो सर वारंटी होती है कस्टमर के लिए, सबसे पहली बात हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ से माल अगर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास डिस्पैच हुआ है तो जिस दिन उसके कस्टमर के पास सेल होगा, चाहे उसके थ्रू चाहे किसी शॉप वाले के थ्रू, तो तब वो जो कस्टमर है तब उसकी वारंटी स्टार्ट होती है। और वो कैसे होती है और हम तक कैसे पहुंचेगा वो जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बताइए भाई, देखिए बताइए ये बॉक्स है हमारा, ठीक है, और उसके साथ आता है कि वारंटी कार्ड, ठीक है, ठीक है, इस वारंटी कार्ड पे है QR कोड। अच्छा ये QR कोड है जी, अच्छा ठीक है। अब ये QR कोड क्या मैजिक करता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, बताइए। QR कोड जब आपने हमारे किसी भी उसने सेल किया किसी कस्टमर को, ठीक है, तो उससे उस अपने सामने कहिएगा कि ये बॉक्स खोले और एक QR कोड निकाले, क्योंकि हमारा जो शॉपकीपर है या डिस्ट्रीब्यूटर है जो सेल कर रहा है किसी कस्टमर को, ठीक है, तो वो ये कस्टमर घर जाकर उसको खोल लेगा डिब्बा, तो अपने सामने डिब्बा खुलवा के डेट भी तो लिखेगा ना उसके ऊपर कि इस दिन सेल हुआ ये पंखा, राइट, ठीक है। लेकिन उसके काम को और आसान कर दिया हमने, ये QR कोड को उस कस्टमर से, लाइक मैंने खरीदा है आज ये पंखा राहुल सर से, और अब करना ये है कि इस QR कोड को एज अ कस्टमर मैं अपने फोन से इसको स्कैन करूंगी, ठीक है। जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे ये आपको ले जाएगा हमारी कंपनी की वेबसाइट पे। वाह बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आप ये 3 लाइंस देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा सपोर्ट एंड वारंटी, दिख रहा है सबको, सपोर्ट एंड वारंटी जी। अब इसको क्लिक करेंगे प्लस को तो यहाँ आ जाएगा रजिस्टर वारंटी कार्ड। अच्छा वारंटी कार्ड को रजिस्टर करना जी, है, ओके। अब वारंटी कार्ड को रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है, ये वारंटी कार्ड के ऊपर देखिए यहाँ पर एक नंबर है, अच्छा ठीक है, ये उसी फैन का नंबर है जो यहाँ पर ये फैन जिस जो लिया गया है ये उसके ऊपर लगा होगा ये नंबर, ये देखिए। अच्छा ये मैजिकल नंबर यहाँ पे है जी, ये सेम अच्छा, नंबर होगा ये लास्ट में देखिए 65 है और यहाँ भी 65 है, आगे का भी होता है, आगे का भी नंबर, हाँ ठीक है। पूरे नंबर को आपको क्या करना है आगे बताइए। अब हम करेंगे इस नंबर को रजिस्टर वारंटी कार्ड खोल के, एक छोटा सा फॉर्म निकलेगा रजिस्टर्ड नाउ, बहुत बड़ा झंझट नहीं है, 4-5 तो क्योंकि कस्टमर जब तक हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं होगा तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये रजिस्टर नहीं होगा तो कल को उसकी कोई कंप्लेंट आ गई तो हम उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है, हम उसे सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, सही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वारंटी कार्ड नंबर में आपको ये पूरा नंबर डालना है, ठीक है, नंबर ये होगा 48, हाँ जी कर रही हूँ मैं 48, आगे है AEB5 कैपिटल में AEB5, ठीक है, फिर है STG कैपिटल में STG, इसका ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड्स जो है वो कैपिटल में है, ठीक है, 0244, ठीक है, देन स्लैश 00065, ठीक है। अब यहाँ मॉडल का नाम, क्योंकि आपने खरीदा है एथरा का टोपाज गोल्ड आपने खरीदा है, ठीक है, तो आप चलिए एथरा डाल देंगे इस पे, खाली एथरा लिख दीजिए काफी है, चलिए। फिर आपका नाम, लेट्स से ABC, तो ये तो नंबर, ये तो आप परचेज कर रहे हैं, अपना ही नाम डालिए, रुचिका लिखिए, अच्छा ठीक है, हाँ। चलिए मैं अपना नाम लिख देती हूँ, लिखिए, देखिए ये मैडम परचेज की है पंखा अभी और ये खुद को रजिस्टर कर रही है, चलिए। फोन नंबर, मेरा फोन नंबर जो आप सबके पास है 9810426324, ठीक है। फिर ईमेल आईडी, चलिए ईमेल आईडी आप भर दीजिए, भर दी, अब डेट ऑफ परचेज आएगी, ये बहुत जरूरी है, तो जिस डेट को खरीदा, जैसे मैंने आज खरीदा है 19 अप्रैल, तो मैं इसको सेट कर दूंगी, चलिए 19 अप्रैल का डेट आ गया। अब नीचे डलेगा एड्रेस, हाँ तो एड्रेस आप अपना डाल दीजिए, ये मैडम का कॉन्फिडेंशियल एड्रेस, मैंने डाल दिया और ये सबमिट करवाना है, ये सबमिट हो गया, चलिए थैंक यू, थैंक यू, अब आप रजिस्टर्ड हो गए जी।
अब मैं रजिस्टर्ड हो गई हूँ, कल को यहाँ मेरे पंखे में एथरा में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अपने इसी नंबर से, जिस नंबर को मैंने इसमें सबमिट किया है, अगर आप कल को ये भी गलती ना करें कि आप किसी दूसरे घर पे किसी भी कोई भी फोन नंबर उठाया और उससे कॉल करेंगे, तो आप उस नंबर से मेरी कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो कॉल आपकी हो सकता है ना ली जाए, ठीक है। तो वो ईमेल आईडी और साथ में वही फोन नंबर से अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल अटेंड, क्योंकि हमें पता चल गया आपने 19 अप्रैल 2024 को ये पंखा खरीदा है, तो 2 साल की आपकी वारंटी है हमारे। तो ये मतलब नहीं है कि पंखा लिया आज, ये सीजन नहीं सेल हुआ तो घबरा गए कि मेरा पंखा का गारंटी वारंटी क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। अरे भैया जब बिकेगा तभी से वैलिड है। और सुन लीजिए भाइयों, जितने भी दुकानदार भाई हैं, अभी ग्राहक से उम्मीद मत कीजिएगा कि गांव देहात का लोग बैठ के इतना पापड़ बेलेगा। एक काम आपको करना पड़ेगा, जैसे माल बेचे आपको खुद से रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि ये बाद का चीज वो खत्म हो जाएगा कहानी। तो आपने सीख लिया कैसे रजिस्टर करना है, ये काम दुकानदार का है कि ग्राहक का पंखा बेचा और ग्राहक के पंखे को देने देर रजिस्टर किया, कल पे छोड़िएगा तो गारंटी वारंटी का पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ये काम आपका है, ये काम ग्राहक का नहीं है, आपको करना है। वीडियो पे बने रहिए, और जितने लोग नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, भाई जी ऐसी कंपनी बार बार नहीं खुलती है, मौका है। अपना पिन कोड रुचिका मैडम से पूछिए कि मैडम ये पिन कोड अभी खाली है कि भर गया। अगर आपका पिन कोड भर गया कोई उपाय नहीं है, अगला कंपनी का इंतजार कीजिएगा। अगर नहीं भरा है तो बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, देन एंड देर घुस जाइए। सर डेली ऐसा कंपनी खुलता है क्या? वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।